नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एवं सेवाओं संबंधी कानून एवं नियम पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं जिला न्यायाधीश जो कि विशेष रूप से वाणिज्यिक न्यायाधीश भोपाल के रूप में कार्य रहते हैं, श्री बी आर यादव जी। सर, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है कॉन्ट्रैक्ट एवं सेवाओं संबंधी कानून एवं नियम, आज हम खासतौर से बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा क्या है और कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो अवैधानिक होता है और कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या होना आवश्यक है, विशेष तौर से आज हम इस पर बात करेंगे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040, दूसरा नंबर है 07662-66-0049। टेलीफोन नंबर फिर नोट कर लें 1800-233-0040, 07552-66-0049। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर, जैसा कि हमारा विषय है कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, आपके माध्यम से आप परिभाषित करके बताएं। कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा। जी, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में संविदा को परिभाषित किया गया है। जी, इसकी धारा 10 जो बताती है कि वयस्क सक्षम एवं वयस्क व्यक्ति के द्वारा स्वतंत्र सहमति से विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए वृद्धिपूर्ण प्रतिफल देकर या लेकर यदि अनुबंध किया जाता है तो उसे संविदा कहते हैं। संविदा के लिए सक्षम कौन है इसके संबंध में वयस्क हो, वयस्क यानी 18 साल की आयु हो जी, और वह स्वस्थ चित्त अवस्था में हो जी, यानी यदि कोई विक्षिप्त स्थिति में है तो वो संविदा करने के लिए सक्षम नहीं कहा जा सकता है जी। यदि अंतराल में स्वस्थ होता है और अंतराल में अस्वस्थ होता है तो अंतराल में स्वस्थ स्थिति में यदि उसके द्वारा कोई अनुबंध किया जाता है, करार किया जाता है जी, तो वह ऐसे करार को कर सकता है और उसे वैलिड करार, वैलिड संविदा कहा जा सकता है जी। स्वतंत्र सहमति, स्वतंत्र सहमति के लिए आवश्यक है कि ऐसी सहमति जिस पर दोनों पक्ष सहमत हो रहे हैं जी, ना तो छल किया गया हो किसी के साथ जी, ना असम्यक असर के प्रभाव में ली गई हो सहमति जी, और बलपूर्वक यानी प्रपीड़न द्वारा जी सहमति न ली गई हो, मिथ्या व्यपदेशन गलत तथ्यों का वर्णन करते हुए सहमति न ली हो, यदि इनसे मुक्त है जी और उनके बीच में दो पक्षों के बीच में किसी बिंदु पर सहमति बनती है जी, तो ऐसी सहमति, ऐसे करार जो है संविदा होंगे और वो लीगल संविदा होंगे जी। मतलब जो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके लिए जो आपने बताया वो सारी चीज़ें होना आवश्यक जी, उनके लिए आवश्यक है ये जी कि उपरोक्त जो बातें बताई हैं जी ये होना चाहिए। सर, हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं? यूं तो संविदा अधिनियम में जी संविदा के प्रकार नहीं बताए गए हैं जी, किंतु एक ये है कि सामान्य संविदा जो दो पक्षों के बीच में होती है जी, एक समाश्रित संविदा है जिससे अधिकांश आप देखते हैं बीमा वगैरह हैं जी, या जो एक घटना के घटित होने पर ही उनका परिवर्तन होता है जी, समाश्रित संविदा मतलब किसी घटना पर डिपेंडेंट संविदा समाश्रित संविदा होती है जी, तो वो समाश्रित संविदा बीमा वगैरह उसके अंतर्गत आते हैं जी। सर, यदि किसी जो अवयस्क है उसके द्वारा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है या उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का क्या प्रभाव होगा, उसकी वैधानिकता क्या होगी? वैसे एक तो जैसा मैंने बताया आपको कि वयस्क के द्वारा ही संविदा की जा सकती है, अवयस्क के द्वारा नहीं की जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति ने अवयस्क के साथ किसी तरह का करार किया हुआ है जी, तो वो अवयस्क व्यक्ति के द्वारा या उसके अभिभावक के द्वारा इसको चैलेंज किया जा सकता है और इसे जो है निरस्त किया जा सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति जो अनुचित लाभ लेना चाहता है अवयस्क से कॉन्ट्रैक्ट करके, तो वह व्यक्ति ऐसा अनुचित लाभ ऐसी संविदा से नहीं ले सकता है।
सर, कई बार ये देखने में आता है कि जो बिल्डर्स और फाइनेंसर जो होते हैं, वो जो एग्रीमेंट बनाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनकी जो कंडीशंस होती हैं वो एक तरफा होती हैं, उनके फेवर की होती हैं। वो उसमें अपने फेवर की चीज़ें ज़्यादा डाल लेते हैं और जो कंज्यूमर है उसके फेवर की चीज़ें उसमें कम होती हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई विवाद होता है और मामला कोर्ट में जाता है, तो उसको किस प्रकार से देखा जाता है, कोर्ट उसको कैसे लेती है? बिल्कुल सही आपने ये, चूँकि आजकल ये बहुतायत में देखने में आता है जी, कोई बिल्डर या कॉलोनाइजर किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है, उसके संबंध में तरह तरह के विज्ञापन ब्रोशर निकालता है जी। हर व्यक्ति के को अपने एक घर का सपना रहता है कि उसका है, उसके जीवन में एक अच्छा घर हो। बिल्कुल, वह उस घर को देखने के लिए ऐसे ब्रोशर और ऐसे विज्ञापन में आके वो साइड विजिट भी करता है, देखता है कि हाँ यहाँ ठीक है, लेकिन वह उस समय गलती कर बैठता है जब एग्रीमेंट पर साइन करता है जी। एग्रीमेंट जो कि बिल्डर्स के द्वारा बनाए जाते हैं जी, उसे नहीं पता, वो कई पेज के एग्रीमेंट रहते हैं जी, इनमें हिडन कंडीशंस रहती हैं, छिपी हुई शर्तें हैं जी, उन पर अमूमन ग्राहक का ध्यान नहीं जाता है जी, वो ये भूल जाता है, उसने तो ब्रोशर देखा, विज्ञापन देखा, साइट देखी और बिना सोचे विचारे उसने उस एग्रीमेंट पर साइन कर दिए। अब इसमें होता क्या है, उन्होंने तो कहा कि हम इस मकान को जो है या हमारा ये प्रोजेक्ट 2 साल में पूरा हो जाएगा जी, मोड ऑफ पेमेंट इस तरह से रहेगा, इन सब बातों पे सहमत होते हुए वो एग्रीमेंट साइन कर देता है जी। पता चलता है कि 2 साल में उसे वो मकान नहीं मिला, परेशान हो जाता है, बाद में जब वो कानूनी कार्यवाही के लिए रेरा या कंज्यूमर फोरम में जाता है जी, तो वहाँ पहली प्राथमिकता रहती है उस एग्रीमेंट की कि आपका एग्रीमेंट हुआ क्या है, और जब वो एग्रीमेंट देखता है तो एग्रीमेंट की शर्तें तब समझ में आती हैं कि इनमें इन शर्तों पर अगर वो उसने देखी होती तो शायद सहमत ना होता। एग्जाम्पल के रूप में मैं बताऊँ कि मोड ऑफ पेमेंट में उन्होंने कहा जो डिमांड लेटर जाएगा आपको जी, तो हम इस लेवल पर इस तरह के डिमांड लेटर भेजेंगे जी, जिस तरह से काम कार्य की प्रगति होगी उसी हिसाब से हम जो है डिमांड लेटर भेजेंगे जी, और डिमांड लेटर भेजने पर आपको इतने दिन के अंदर आपको भुगतान करना होगा। अगर उस ग्राहक ने समय पर भुगतान नहीं किया तो जो पेनल्टी इंटरेस्ट है वो कई टाइम्स ज़्यादा रहती है जी, बहुत ज़्यादा रहती है। और वहीं दूसरी तरफ बिल्डर ने यदि उस ड्यू टाइम में मकान बना के नहीं दिया जी, कई साल बीत जाते हैं, वो चक्कर लगाता रहता है, नहीं मिलता है, अब देखते हैं कि भाई हमारे ऊपर तो इतनी पेनल्टी इम्पोज करी जा रही है, आप पर भी तो कुछ लायबिलिटी होना चाहिए, तो पता चला कि उसमें इस तरह की कोई कंडीशन ही नहीं है जिसमें आप बिल्डर पर ये कह सकें कि आपके ऊपर भी इतना ये होना चाहिए था। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2021 में एक लैंडमार्क जजमेंट पास किया है जी, और उसमें उन्होंने डायरेक्शन दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को और तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स के रेरा को जी, कि इसमें एक यूनिफॉर्मिटी हो कि जो एग्रीमेंट हो जी, तो वो एग्रीमेंट एकदम पहली ही नज़र में देखने में समझ में आ जाए, वो इतना लंबा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। जिस तरह की कंडीशन अगर ग्राहक पर लगाते हैं वही कंडीशन उस बिल्डर पर भी होना चाहिए। यदि बिल्डर की साइड से डिले हुआ है जी, तो वो भी उतना ही लायबल है जितना अगर पेमेंट करने में ग्राहक डिले हुआ है तो वो लायबल होगा। इसलिए एक यूनिफॉर्मिटी हो, एक रूपता हो पूरे हिंदुस्तान में, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को समझा है और उन्होंने इस संबंध में डायरेक्शन भी दिए हुए हैं जी। तो मेरा कहना है कि जो हिडन कंडीशंस रहती हैं उन हिडन कंडीशंस को ज़रूर देखें तभी उस एग्रीमेंट को साइन करें। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि लोग भरोसे में साइन कर देते हैं, उन्हें लगता है इतना बड़ा एग्रीमेंट है, छोटे छोटे अक्षरों में होता है, तो वो गौर नहीं करते हैं और उनको समझ में भी नहीं आता। एक लेमेन को वो भाषा भी नहीं समझ में आती कॉन्ट्रैक्ट की कि उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। वो बाद में जब कुछ बात होती, विवाद होता है, तो कोर्ट में पता चलता है कि इसका असली अर्थ ये है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। सर, हम बात करें सर्विस मैटर में, यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट का वॉयलेशन करता है तो ऐसे में क्या स्थिति होगी?
जिस व्यक्ति के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन किया जाता है जी उस व्यक्ति के विरुद्ध जिस जिसके संबंध में वायलेशन हुआ है वह व्यक्ति रिलीफ के लिए कंपनसेशन के लिए केस फाइल कर सकता है जी। और सर क्या ऐसा भी कहीं कानून में प्रावधान है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको रजिस्टर्ड कराना आवश्यक है? वैसे संविदा अधिनियम में कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर का कोई प्रोविजन नहीं है जी। इसमें जिस तरह से ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है जी। वैसा प्रोविजन संविदा अधिनियम में नहीं है। और सर अगर सिविल मैटर में जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन होता है कोई लेन देन के मामले में व्यवहारवाद में, तो यदि किसी को कोई केस लगाना हो तो वो कितने समय में लगा सकता है जब उसका विवाद हुआ है, तो उसके लिए समय सीमा का क्या प्रावधान किया गया है? एक्चुअल में ये कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करता है, वैसे उसमें कॉन्ट्रैक्ट में समय क्या दिया गया है जी, किसी कार्य के संबंध में कितनी अवधि में यह कार्य किया जाना है उसके लिए जो सहमत हुए हैं दोनों पक्ष उसमें समय क्या दिया है। जैसे सेक्शन 55 है, इसमें समय संविदा का सार होता है। संविदा में यदि टाइम लिमिट दी गई है तो उस टाइम लिमिट जो लिमिट दी है वो लिमिट जैसे ही क्रॉस होती है उससे 3 साल के अंदर सूट फाइल किया जा सकता है जी। सर क्या कॉन्ट्रैक्ट को लिखित में होना आवश्यक है या ओरल भी हो सकते हैं और लिखित भी हो सकते हैं, कौन से ऐसे हैं जिनका लिखित में होना आवश्यक है? वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखित होना ही ठीक है, संविदा अगर लिखित है जी तो लिखित में ही फिर ओरल एविडेंस का कोई महत्व नहीं रह जाता है जी। संविदा लिखित ही होनी चाहिए जी, लिखित ही होती है, उसमें सारी कंडीशंस पड़ी रहती हैं। यदि कोई आर्बिट्रेशन क्लॉज है जी तो वो भी उसमें डाला जाता है जी, लिखित में ही होता है संविदा का। और सर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर शून्य घोषित कराना है या शून्य घोषित किया जाता है तो किस आधार पर किया जाता है? संविदा अधिनियम में एक तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट चिन्हित किए गए हैं जो शुरू से ही शून्य होते हैं जी। अधिनियम की धारा 24 से लेकर 30 तक उन करारों का वर्णन किया गया है जो कि शून्य है जी। और लोक नीति के विरुद्ध किए गए करार हैं वो शून्य होते हैं, जैसे विवाह के अवरोधक करार हैं वो शून्य होते हैं, व्यापार के अवरोधक करार हैं वो भी शून्य होते हैं, पद्यम के तौर पर किए गए करार हैं वो भी शून्य होते हैं, प्रतिफल की अनिश्चितता या प्रतिफल के बिना किए गए करार हैं वो भी शून्य होते हैं जी। तो इस तरह से इन सेक्शंस में हवाला दिया गया है जो शून्य होते हैं, शून्य करणीय कौन से करार होंगे जी। उसके संबंध में ये जैसे अवयस्क के संबंध में किया गया करार है जी। या किसी से छल या मिथ्या व्यभिदेशन या कपट या असम्य का असर के प्रभाव में सहमति ली गई हो जी। तो जो भी पीड़ित पक्ष है वो ऐसे करार के संबंध में शून्य करणी करार कराए जाने शून्य करणी कराए जाने की कार्यवाही कर सकता है जी। सर कई बार हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसमें रोड बनाने के बिल्डिंग बनाने के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डैम बनाने के होते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन करता है चाहे वो बनाने वाला हो या सरकार की तरफ से कहीं होता है, तो उनके लिए कहाँ कार्रवाई की जा सकती है और सुनवाई कहाँ की जाती है? इसमें जिस तरह से आपने बताया जी, बिल्डिंग है, डैम है, रोड है, इस तरह की कंस्ट्रक्शन के संबंध में यदि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जी, इसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं जी। वर्क कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में जहाँ तक मध्य प्रदेश के संबंध में लिया जाए जी, तो मध्य प्रदेश में माध्यस्थम अधिकरण है जो यहाँ पे अभी कार्यरत है जी, तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में कार्यवाही वहाँ होती है जी। अन्य सप्लाई ऑर्डर वगैरह हैं किसी तरह के वो हैं तो उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज रहता है। आर्बिट्रेशन क्लॉज में यदि डिस्प्यूट किसी तरह का पैदा हुआ दोनों पार्टियों के बीच में तो आर्बिट्रेशन क्लॉज का उपयोग किया जाता है। आर्बिट्रेटर या तो वो स्वयं नियुक्त कर सकते हैं जी। यदि कोई पक्ष मान लीजिए ए पक्ष एग्रीव्ड है और बी इसके लिए तैयार नहीं है आर्बिट्रेशन के लिए जी, तो ये जो है माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम की धारा 11(6) में जी, वो माननीय उच्च न्यायालय में एप्लीकेशन मूव करके और आर्बिट्रेटर नियुक्त करा सकता है। आर्बिट्रेटर नियुक्त होने पर उनके सामने आर्बिट्रेटर के समक्ष दोनों ही पक्ष ए और बी उपस्थित होंगे और उसमें कार्यवाही होती है।
तो विवाद का समाधान आर्बिट्रेटर के माध्यम से होता है। जी सर, कई बार ये देखने में आता है कि ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे एक किसी ने बिल्डिंग बनाने का ठेका एक ने लिया, मटेरियल सप्लाई करने का दूसरे ने लिया, पैसा किसी तीसरे ने लगाया और तीनों की शेयरिंग थी, मिलकर उनको बेचा गया। अब ऐसी स्थिति में यदि कोई डिले होता है या कोई ब्रीच होता है या कोई केस आता है इनको पक्षकारों को लेकर, तो किसकी जिम्मेदारी तय होगी? ये ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है जी। ट्राई पार्टी एग्रीमेंट को हम इस रूप में लेते हैं, ए ने सी को कोई कंस्ट्रक्शन वर्क सौंपा है या भवन बनाने का जिम्मा सौंपा जी, बी को रॉ मटेरियल सप्लाई करने का जिम्मा है जी, ए को तमाम फॉर्मेलिटीज जैसे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से परमिशन, नगर निगम की परमिशन जी, ड्राइंग ये देना है जी। अब तीनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मान लीजिए 2 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट को पूरा किया जाना है जी। ए को अपनी ड्यूटी, ए की ड्यूटी है कि वो तमाम परमिशंस जो है जी, वो प्राप्त करे, उसके लिए टाइम लिमिट, यदि वो अपने टाइम लिमिट में वो परमिशंस लेके वो दे देता है जी। अब बी का काम आता है, बी को रॉ मटेरियल की सप्लाई करनी है जी, बी को भी टाइम लिमिट दिया हुआ है, या तो टाइम टू टाइम वो जो है रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा जी, सी को कंस्ट्रक्शन का जिम्मा है, सी कंस्ट्रक्शन करेगा। अब इसमें जिस पक्ष की तरफ से जो भी फॉल्ट रहेगा जी, यदि लापरवाही बी ने की है तो बी के संबंध में सी जो है बी से क्लेम कर सकता है जी, यदि लापरवाही सी ने की है जी, जो टाइम लिमिट दिया हुआ है, सी ने उस टाइम लिमिट में काम किया नहीं जी, वो काफ़ी उस टाइम लिमिट के बाहर निकल गया और इस बीच में रॉ मटेरियल की भी कीमत बढ़ी, कहीं कुछ हुआ जी, तो इसका परिणाम जो है उसको भुगतना पड़ेगा सी को, इसलिए वो सी लायबल है इसके लिए जी। तो मतलब हर किसी की ड्यूटी ट्राई पार्टी में जी, कौन की ड्यूटी क्या है, अगर उसने अपनी ड्यूटी फेयर प्ले की है जी, तो जिस व्यक्ति ने फेयर प्ले किया है जी, वो मतलब ठीक है, बाकी जिसने उसमें थोड़ा भी डिले किया है, तो जिसके द्वारा उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किए जाने में समय लगा या नुकसान उठाना पड़ा, जिस पक्ष ने नुकसान उठाया वो पक्ष उस व्यक्ति से जो है कंपनसेशन या प्राप्त कर सकता है। प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने सर। सर कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं तो चूंकि आप काफ़ी समय से जुडिशरी में इस तरह के केसेस डील करते आए हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट को लेकर लोगों में कितनी अवेयरनेस है और क्या जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको लेकर लोगों में जागरूकता है कि कॉन्ट्रैक्ट करते समय क्या चीज़ें देखना चाहिए, क्या विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा जी कि जब कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट के संबंध में आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं जी, तो उसको बड़ी बारीकी से आप समझें। जैसा आपने कहा कि बड़े लंबे लंबे एग्रीमेंट होते हैं उनको नहीं देख पाते हैं जी, मेरा इस स्टूडियो के माध्यम से अनुरोध है जी, अपने आम आदमी दर्शकों से कि वो इसमें जल्दबाजी ना करें, उसका बारीकी से अध्ययन करें और उन हिडन कंडीशंस को ज़रूर देखें, और इसके बाद ही उस पर जब एग्रीमेंट पर साइन कर रहे हैं आप तो उसके बाद ही साइन करें। अदरवाइज जब कभी भी आप कानूनी कार्यवाही के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपको ये सब तब समझ में आता है कि काश हमने उस दिन इन हिडन कंडीशंस को देखा होता तो हमारे साथ इस तरह की स्थिति ना होती। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा कि आप जो है इसमें सजग रहें, सजग रह के ही इस पर साइन करें, और संविदा का अच्छी तरह से ये कि जिस प्रोजेक्ट को आप लेना चाह रहे हैं तो उसके संबंध में किसी तरह की कानूनी बाधा ना आए, तो ये पहले ही आप सजग रहेंगे तो इस तरह की परेशानी नहीं आएगी। सर कई बार ये देखने में आता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें डला होता है कि आप इतने समय में ही कंप्लेंट कर सकते हैं या स्थान विशेष पर ही कंप्लेंट कर सकते हैं, तो यदि ऐसा कोई क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट में डला हुआ है तो क्या उसको माना जाएगा या उसे कानून की दृष्टि से जो कानून में व्याख्या की गई है उसके हिसाब से देखा जाएगा कि केस कहाँ लग सकता है, नंबर एक, और नंबर दो कि कब कितने समय तक लग सकता है? यदि कॉन्ट्रैक्ट में किसी तरह का क्लॉज डाला गया है जुरिस्डिक्शन के पॉइंट पे जी,
तो ज्यूरिसडिक्शन वो देखा जाएगा कि ज्यूरिसडिक्शन को कर्टेल तो नहीं कर रहा है ये, मतलब सीमित तो नहीं कर रहा है। जहाँ कॉन्टैक्ट हुआ है वहाँ की स्थानीय अधिकारिता में जी। या जहाँ प्रॉपर्टी स्थित है वहाँ की स्थानीय अधिकारिता में आप जो है सूट फाइल कर सकते हैं जी। और इसमें टाइम लिमिट वही बताया गया है कि कॉन्टैक्ट के संबंध में टाइम लिमिट 3 साल है। जिस दिन भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है उस दिनांक से 3 साल के अंदर आप जो है सूट फाइल कर सकते हैं। जी सर, कॉज ऑफ एक्शन से क्या आशय है? नंबर एक। नंबर दो कि कई बार कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि उसमें लिखा होता है कि इनका जो हेड ऑफिस है बेंगलोर है या आर्बिट्रेशन को ही अधिकार है, आर्बिट्रेटर ही करेगा, तो इस तरह के जो क्लॉज होते हैं क्या वो बाध्यकारी हैं किसी भी उपभोक्ता पे? आर्बिट्रेशन क्लॉज रखा गया है, आर्बिट्रेशन क्लॉज अगर स्थानीय क्षेत्र के लिए रखा गया है जी तो वो तो खैर दोनों ही पार्टी की सहमति से हुआ है जी, तो वो मानना पड़ेगा उनको जी, मानना ही चाहिए जो है जी। और होता स्थान ही है विशेष के लिए यदि स्थान, मतलब इस तरह का है कि नहीं, यहाँ से मान लीजिए भोपाल में कॉन्टेक्ट हुआ है, भोपाल में प्रॉपर्टी है जी, और भोपाल के ही दोनों पक्ष जो है बेंगलोर या चेन्नई यहाँ के लिए कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना चाहते हैं जी, तो वो चूंकि एक अव्यावहारिक भी रहता है और इस तरह का उसमें डला होता है कि विवाद यदि होगा तो हेड ऑफिस चेन्नई या मतलब वो लोग कई कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह की भाषा लिखी होती है। करने को तो जाने को तो दोनों जा सकते हैं जी, जा सकते हैं, उसमें कोई वैसा वो नहीं है जी। बाकी ये है कि जहाँ कोर्ट में केस फाइल करना है तो वहाँ व्यावहारिक परेशानी आती है। अब वो यानी आर्बिट्रेटर चेन्नई का है जी, या आर्बिट्रेटर बेंगलोर का है जी, तो फिर ज्यूरिसडिक्शन आप वहाँ पर रहेगा इसका, वहाँ के आर्बिट्रेटर के द्वारा डिसाइड किया गया मैटर है जी, तो वो वहीं पर डिसाइड होगा फिर। और अगर संपत्ति कहीं दूसरी जगह है, जैसे क्लॉज ये डला है, पर यदि कोई विवाद होता है तो जो व्यक्ति जहाँ रह रहा है वो संपत्ति जहाँ है वहाँ नहीं केस फाइल हो सकता? जहाँ संपत्ति स्थित है, संपत्ति स्थित है या उनका कोई ब्रांच ऑफिस भी है वहाँ पर? नहीं नहीं, ब्रांच हेड ऑफिस के अलावा, जैसे आज भोपाल से मैंने कोई बुकिंग करी है, भोपाल में मैंने कोई प्रॉपर्टी बुक की, भोपाल में किसी कंपनी का ऑफिस है, यदि कोई विवाद होता है तो उनके क्लॉज में डला है कि भाई हमारे हेड ऑफिस बम्बई दिल्ली, आप वहाँ पर सुनवाई का क्षेत्र नहीं, तो उसमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार उन्होंने ब्रांच ऑफिस डाला हुआ है, ब्रांच ऑफिस को नहीं दिया है कि ब्रांच ऑफिस नहीं है। जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है, हमें प्रोग्राम को यहीं विराम देना होगा। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी इस कानून के बारे में। दर्शकों, जैसा कि हमारा आज की चर्चा में निकल के आया कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते समय उसको पूरी तरह से पढ़ें, उसकी भाषा को पढ़ें और अच्छे से समझने के बाद ही उसे साइन करें। हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम से आप इस कानून के बारे में अच्छे से जानकारी ले पाए होंगे। अगले अंक में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार। नमस्कार।